सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश में पहली बार ये हुआ है जब मैनिफेस्टो को उठाकर ये आकलन लगाया जा रहा है कि अब आगे कौन सा कदम सरकार उठाने वाली है। हमने कहा था हर किसान के बैंक खाते में सीधी मदद भेजेंगे। आज करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की सीधी मदद किसान के खाते में जमा कराई जा चुकी है। हमने कहा था हम गरीब का बैंक खाता खोलेंगे। आज 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों का बैंक खाता खुल चुका है। हमने कहा था हर गरीब बहन बेटी की रसोई में मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाएंगे। उज्ज्वला योजना ने बिहार की भी करीब 90 लाख महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्त किया है। हमने कहा था हर गरीब को 5,00,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। आज बिहार के भी हर गरीब को ये सुविधा मिल रही है। और भाइयों और बहनों, कोरोना के इस संकट काल में हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुफ्त में अनाज देंगे। 130 करोड़ का देश दुनिया को अचरज हो रहा है। 8 महीने तक इस देश का कोई व्यक्ति भूखा न सो जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था कोरोना के संकट काल में भी हम कर पाए। आज बिहार के भी गरीबों के लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के दिनों में सरकार की इन योजनाओं ने गरीबों की बहुत मदद की है। साथियों, इस क्षेत्र में पानी से होने वाली बीमारियों की दिक्कत हमेशा से ही रही है। इस दिक्कत का एक बड़ा इलाज है हर घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। बीते समय में पूरी ताकत से बिहार में ये काम किया गया है। अगर मैं दरभंगा और मधुबनी की ही बात करूं तो इस क्षेत्र में 11,00,000 से ज्यादा घरों को पाइप कनेक्शन से जोड़ा गया है। बहुत जल्द बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां पर घर में पीने का साफ पानी पाइप से ही पहुंचेगा।